गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपनी बसंत पुस्तक से पाठ 12 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है संसार पुस्तक है। संसार पुस्तक है। इस चैप्टर के बारे में बता दूं कि इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है और ये अंग्रेजी में लिखा गया था और मुंशी प्रेमचंद ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। उनकी बेटी जब 10 साल की थी, मतलब इंदिरा गांधी जब 10 साल की थी, तो नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियाँ लिखी थी। उन्हें और उन अनेक चीज़ों के बारे में बताया था कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे पहचाना समझा। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। जो जवाहरलाल नेहरू ने चिट्ठियाँ लिखी थी वो क्या है, हमारे आसपास की चीज़ों को जानने समझने की हमें क्या करती हैं, उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष लगाव था। उन्हें बहुत आनंद आता था। उन्होंने ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में लिखी हुई हैं। संसार पुस्तक इसी पुस्तक से लिया गया है। खास बात है कि नेहरू जी ने यह सब अंग्रेजी में लिखे थे और उनका हिंदी में अनुवाद मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया था। अब हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे। हम चैप्टर पर आएंगे। संसार पुस्तक है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अब नेहरू जी हैं जो इंदिरा गांधी को जब पत्र लिख रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सारी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब तुम जब मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, तो हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। कहाँ थे? इंदिरा गांधी मसूरी में थी और जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में थे और दोनों जब पास में नहीं थे तो वे बातचीत नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की, उन छोटे बड़े देशों की जो दुनिया है, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तो उन्होंने क्या किया, आपस में बातचीत करने का तरीका क्या खोजा, पत्र द्वारा या चिट्ठी द्वारा। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का भी जो उसमें बसी हुई ध्यान रखना होगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। वो क्या बता रहे हैं इंदिरा जी को कि हमें सिर्फ अपने देश के बारे में नहीं जाना है, बाकी विभिन्न देशों के छोटे छोटे जो प्रांत हैं, टापू हैं, उनके बारे में भी तुम्हें जानना समझना है। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं चिट्ठियों द्वारा तुम्हें थोड़ी थोड़ी ही बातें बता सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हम पत्र द्वारा तुम्हें क्या है पूरी बात नहीं बता सकते, लेकिन जो बातें बता रहा हूँ, तुम उसे लिख रहा हूँ, वो तुम उसे शौक से पढ़ोगी, समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो आबाद हैं वे हमारे क्या हैं, भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। तुम्हें उसमें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिलता होगा। वो क्या कह रहे हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो क्या पढ़ोगी, जब किताबों में पढ़ोगी तो तुम्हें कितना आनंद आएगा जो उपन्यास और कहानी पढ़ने में भी नहीं आता। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक कोई भी इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक समय ऐसा था जब इस धरती पर कोई चीज़ ना थी। आज जब तक दुनिया इस हर तरह के जानवर और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था, लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा, पढ़ा, लिखा कि एक समय ऐसा था कि जब यह धरती बेहद गर्म थी, इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी, और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों, जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। क्या हुआ, पहले इतिहास में क्या था, हमारी जो धरती है उसका कोई वजूद नहीं था। धीरे धीरे विकास हुआ सभ्यता का, तो धीरे धीरे जानवर भी आए और आदमियों ने, मनुष्य भी इस धरती पर आ गया। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में जो मैं तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता, तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हों। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच लें। यह बात एक एक
बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती है, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम हो सकती हैं जितनी हम किसी किताब में पढ़ सकते हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवर और पुरानी हड्डियाँ इसी तरह की हैं। और भी ना जाने कितनी चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। सोचो कितने मज़े की बात है कि एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद तो उसमें तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें पढ़ना आता हो। अब क्या बता रहे हैं नेहरू जी? उन्हें पुराने ज़माने के बारे में बता रहे हैं कि पुराने ज़माने में तो इतिहास लिखने वाला भी नहीं था, और लिखे जब जो चीज़ लिखी नहीं है तो हम उसको कैसे समझ सकते, उसको हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या है, बहुत सी चीज़ें हैं जैसे पहाड़ हैं, समुद्र हैं, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवर, हड्डियाँ, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम पुराने समय का उनसे हाल जान सकते हैं। कोई जवान उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या भाई तुम्हें कुछ नहीं बतलाता, यह कैसे गोल चिकना और चमकीला हो गया, उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता, फिर भी यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुख से उसकी जवानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद है किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा हो, तब पानी आया हो तो उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया, वहाँ से एक पहाड़ी नाली में धकेल कर उसे छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गया और चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया, तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता, उस समुद्र के किनारे अपने भाइयों में जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा डोरा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। अब इसमें नेहरू जी ने क्या किया है, उन्हें आप इस पृथ्वी के विकास के बारे में भी बता दिया, और उन्हें बता दिया कि हम किसी भी चीज़ को देखकर कैसे ही थोड़े से में ज़्यादा समझ सकते हैं। जैसे उन्होंने एक पत्थर, एक रोड़ा के माध्यम से बताया है कि वो कितनी परिस्थितियों से गुजरता है और धीरे धीरे घिसता होता चमकदार हो जाता है, और आखिर में वह एक बालू का कण बन जाता है और समुद्र के किनारे में मिल जाता है जिसमें बच्चे खेलते हैं और छोटे छोटे घरौंदे बनाते हैं। इसीलिए उन्होंने इस पत्र का नाम रखा है संसार पुस्तक है। तो हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।